हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन अखराजू इंग्लिश अकेडमी एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में मैंने आपके लिए साझा किया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर स्पेशल इंग्लिश की किताबें, और खास करके दोस्तों ये जितने भी यू नो इंपॉर्टेंट्स एसएससी सीजीएल्स एग्जामिनेशन होते हैं, और खास करके सीएचएसएल और सीपीओ और एमटीएस के लिए मैं आपके सामने रखा था इंपॉर्टेंट्स वो चार किताब जो आपके इंग्लिश को बेहतर बना सकते थे। दोस्तों, आज मैं आपके रिकमेंड्स पे, आपके सजेशन पे, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं इम्पोर्टेंस बुक्स में शेयर करूंगा टॉप 4 बुक्स को यू नो जीए और जीके के लिए कि कैसे आप इसमें बेहतर मार्क्स हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात मैं ये वीडियोस में आपके सामने रखने जा रहा हूँ, किताबों के नाम मैं तो रखूंगा ही, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आपको यदि इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, यदि आप इंपॉर्टेंस इंग्लिश वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं, जो खास करके वोकैबुलरीज आपको मैं न्यूज़पेपर्स इंग्लिश न्यूज़पेपर से एडिटोरियल्स में वोकैब देता हूँ, तो आपको नीचे यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लखराजू इंग्लिश अकेडमी टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप जाकर ही शीघ्र ज्वाइन हो जाइए और वहाँ प्रतिदिन आप वहाँ से इंपॉर्टेंस वोकैबुलरी सीखिए और साथ में इंग्लिश पीडीएफ फाइल मैं आपके लिए अवेलेबल कराता हूँ। दोस्तों, ये जो किताब मैं रखने आ रहा हूँ, पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिस इज अ ओनली फॉर गाइड फॉर यू नो, ये किताब के माध्यम से डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड यू कैन स्कोर द 80-85% थ्रू दिस बुक्स। ओके, द फर्स्ट बुक है, मैं बता दूं दोस्तों, स्टैटिक जीके के लिए फटाफट मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला किताब दोस्तों स्टैटिक जीके के लिए, आप बेझिझक आप कहीं नहीं भटके, और मैं आपसे बता दूं तो ये किताब बहुत ही शानदार, रोजगार भी अंकित सर के, ये किताब बहुत ही बेहतर है स्टैटिक जीके के लिए, क्योंकि इसमें दोस्तों नवीन सर और अंकित वाटी सर ने एक सारे जितने भी इम्पोर्टेंट्स फैक्ट ऑफ यू नो इम्पोर्टेंट्स जो आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन होते हैं, सपोज अगर मैं कुछ टॉपिक्स ना लूँ, जैसे फेमस सिटीज एंड देयर निक नेम्स, इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इम्पोर्टेंट्स आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट्स पावर ऑफ प्लांट्स एंड ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस न्यूज एजेंसीज, फेमस इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट GI टैक्स एंड ऑल्सो चेंज नेम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिटीज नेम, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन नेम, फेमस पार्लियामेंट पार्टीज एंड ऑल्सो दोस्तों बर्ड सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, बहुत सारी ये चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। मैं फटाफट आपको बताने वाला हूँ कि ये जो पहली किताब है आपको स्टार्टिंग जीके के लिए, दोबारा आप देखिए ध्यान से, मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्टिकुलर नेम लिख दूंगा, आप वहाँ से जाकर के आसानी से पढ़ सकते हैं, उसका सारा ब्रीफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जरूर चेक कीजिएगा। ये था दोस्तों स्टार्टिंग जीके के लिए। दूसरी किताब दोस्तों, आप जानते हैं कि SSC एग्जामिनेशन में आपको प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के लिए, तो आप ये वाली किताब यूज़ कीजिए, सामान्य ध्यान की जो SSC पिनाकल की एडिशन की जो किताब आई है, लगभग 6500 प्लस इसमें टीसीएस एमसीक्यूज अवेलेबल कराते हैं, आप इसमें देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही शानदार है। दोस्तों मैं बता दूं, इस किताब की खासियत आपको इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन को बेझिझक और आसानी के साथ रखते हैं। दोस्तों पहली बात कि मैं बता दूं दोस्तों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सूची है, जैसे देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा थोड़ा सा, स्टैटिक जीके इतिहास, हिंदू राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थशास्त्र है ना, भौतिक साइंस की तरह पौधा लेकर रसायन, जीव विज्ञान, और साथ में दोस्तों उस लेटेस्ट जो करेंट अफेयर्स हुआ था उसको भी लिखा गया, और यहाँ देखिए पेजों की संख्या के साथ साथ ये हर टॉपिक को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए इसमें क्वेश्चन हैं, और साथ में दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर हैं, और सभी जो क्वेश्चन को मैं बता दूँ एक्सप्लेनेशन बहुत ही शानदार है। आपको ये सभी किताबें जो आपके सामने रख रहा हूँ आप चेक करिए फ्लिपकार्ट अमेजन पे, आसानी से आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। मैं बता दूँ दोस्तों ये किताब बहुत ही शानदार है, थोड़ी सी किताब मार्केट में कॉस्टली है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, सो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। दूसरी किताब दोस्तों मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे तीसरी जो किताब है सामान्य दे लूसेंट की, थोड़ा इस पर ध्यान समझिएगा, लूसेंट के बहुत सारे पोर्शन नहीं पढ़ने, 3 इंपॉर्टेंट पोर्शन पॉलिटी के, मॉडर्न हिस्ट्री के, और साथ में दोस्तों मैं बताऊँ इंडियन ज्योग्राफी के, ये तीनों पोर्शन इस वाले आप लूसेंट से करिए, और इसके अंत में आप जाइएगा तो बीबी से क्वेश्चन ये है जिसमें स्टैटिक जीके बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताता हूँ दोस्तों, आप सभी पता है कि ये किताब जो है काफ़ी बेहतर पॉपुलर है लोगों के बीच में, और यहाँ देखिए बीबी जो पोर्शन है लास्ट में, ठीक है, ये न्यू एडिशन है आप, सो अगर आपके पास न्यू एडिशन में 369 पेजेस से विविध क्वेश्चन दिए हुए हैं, और सारा ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इस वाले बुक के माध्यम से आप जीके के लिए, मैं बता दूं दोस्तों सीधी सी बात है, आप पॉलिटी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, और साइंस में यदि आप देखना चाहते हैं तो बायोलॉजी के कुछ सेक्शन को आप इस वाले किताब से देख सकते हैं। दिस इज अ थर्ड बुक। अब याद रखिएगा दोस्तों, करेंट अफेयर्स के लिए मैं आपके सामने रखता हूँ
वन एंड ओनली फेवरेट फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑल पेरेंट्स स्पीडिंग करेंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, आप लेटेस्ट कोई भी पोर्शन उठाइए, किसको जीआई टैग मिला है, भारत सरकार ने कौन सी स्कीम लाया है, राज्य सरकार के सीएम बदले हैं, गवर्नर चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल्स, कैबिनेट मंत्रालय, या फिर दोस्तों भारत किसके साथ सैन्य अभ्यास किया, सभी चीजें इस वाले करेंट अफेयर्स में आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया गया। तो चौथा किताब है आपको करेंट अफेयर्स के लिए रखा, चारों किताब की मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से जो है इजिली मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, आप इस चीजों को समझिएगा। एक किताब बहुत पॉपुलर हो रही है और बच्चों का डिमांड भी था कि सर बताइए क्या इस करेंट अफेयर्स और यहाँ पे उत्कर्ष क्लासेस की जो किताब होती है दोनों में से कौन सा लें। तो देखिए दोस्तों, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो है इसमें आपको ब्रीफ में तैयार किया गया और ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रखी हुई है, ध्यान से बात समझिए। जैसे किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आपको तो पता ही है दोस्तों गौरव सर बेहतर टीचर है ऑफ नोइंग करेंट अफेयर्स एंड ऑल्सो जनरल नॉलेज, तो इस चीजों को उन्होंने तैयार किया है। लगभग ये वार्षिक अंक है जनवरी 2021 और आई मीन दिसंबर, यस ऑफ कोर्स सॉरी आई एम रॉन्ग, वार्षिक अंक में 2022 जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक, यहाँ देखिए चीजों को देखिए और मैं बता देता हूँ। देखिए मैं जो चीज रख रहा था आपके सामने, ये देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ रखते हैं। अगर कोई भी पोर्शन आप पढ़ रहे हैं, सपोज विश्व का पहला आप कृत्रिम इंपॉर्टेंट चीज यू नो इसका स्काई लाइट या ईरानी उपग्रह या दोस्तों युद्ध पोत गिरी जो भी देख रहे हैं आप, यह चीज देखिए यहाँ पे सभी चीजों को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों एक बार मैं आपके सामने दोबारा ये बता देता हूँ, कुछ किताबें आपको खास बना सकती हैं, तो मैं बातों के साथ रखने में रिपीट भी कर देता हूँ। देखिए कोई एक किताब, कोई अगर आपके पास एक किताब हो तो आप बेहतर ढंग से तैयारी को अवेलेबल इजिली बना सकते हैं। तो देखिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, सो ध्यान से बात समझिएगा। इस वाले किताब के माध्यम से मैं आपको शो करा देता हूँ कि प्लीज आप जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस किताब के साथ जो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर बीइंग हियर एंड धन्यवाद करना चाहता हूँ और दिस आभार सुप्रियता और साथ में दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने मुकाम तक पहुँचे, सफलता आपको जल्द मिले। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल राजू इंग्लिश अकेडमी। थैंक यू सो मच।